हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपका अपना चैनल डीके ट्यूटर में। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ के एसीबी का लेसन नंबर 12 रोबोट, जिसे लिखना है डॉक्टर प्रदीप मुखोपाध्याय आलोक जी ने। और उन्होंने इस पाठ के माध्यम से हमें यह बताया कि इंसान का मुकाबला कोई भी मशीन या कोई भी रोबोट नहीं कर सकता। यह कहानी नवम्बर 2030 का है, यानी कि ये कहानी जो है एक फ्यूचर के बारे में, जिसमें ये बताया गया कि सक्सेना नाम का एक परिवार था जिसके हेड जो थे सक्सेना जी थे, और उनके घर में बहुत ही चहल पहल मची रहती थी क्योंकि उनके घर और उनका परिवार बहुत बड़ा था। और उनके घर में एक नौकर काम करता था जिनका नाम था साधुराम, और वो घर के जो भी दैनिक कार्य थे, जैसे कि बच्चों को होमवर्क कराना, उन्हें होमवर्क में मदद करना, या फिर घर में खाना पकाने से लेकर के दरवाजे या डोर को खोलने तक का सारे काम साधुराम ही करता था। लेकिन अचानक से एक दिन जब साधुराम बाजार गया या कहीं बाहर गया, तो दुर्घटना होने के कारण उसे बहुत ही चोट आई और उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। और उसके अस्पताल में भर्ती होते ही सक्सेना परिवार पर मानो एक विपत्ति, एक मुसीबत ही आ गई, क्योंकि घर में सारा काम जो था ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा था। एक तो हम बोल सकते कि प्रोग्रेसिव वे या फिर एक सिस्टमेटिक वे में नहीं हो पा रहा था, क्योंकि सारे काम का जो जिम्मेदारी थी साधुराम के ऊपर ही थी। इसके कारण घर के सारे लोग परेशान हो जाते हैं। उसके बाद जो डॉक्टर सक्सेना जी है, या जो हम बोल सकते घर के मुखिया सक्सेना जी है, उनको इस बात पे बहुत ही परेशानी होती है। और लोगों का परेशानी को जब वो देख नहीं पाते, तो एक दिन वो रोबोटिक्स कंपनी में चले जाते हैं एक रोबोट को खरीदने के लिए। और उसके बाद जैसे ही वो रोबोटिक कंपनी में जाते, तो उन्होंने ये देखा कि एक रोबोट जो है एक वैक्यूम क्लीनर से फर्श को साफ कर रहा था, और उसको उनको रिक्वेस्ट करते हैं और उनको रिस्पेक्ट के साथ वेलकम करके अंदर आने के लिए कहते हैं। और जैसे ही वह रिसेप्शन पे पहुंचते हैं, तो रिसेप्शन पे भी उन्होंने देखा कि एक रोबोट ही था जो उनको नमस्कार करता है और उनको बैठने के लिए कहता है। ये देख करके सक्सेना जी को बहुत ही आश्चर्य होता है, क्योंकि ये देखते रहते कि किस तरीके से आज इंसान ने टेक्नोलॉजी के बदौलत से रोबोट के अंदर भी एक ह्यूमन का एक फीलिंग्स डाल दिया है। और इतना होते ही वो उनके कहते हैं कि मुझे कोई एक अच्छा रोबोट दिखाइए। तो बोलते कि आपको अच्छा रोबोट क्यों चाहिए? तो बोलते कि मेरे घरेलू कामकाज करने के लिए, मेरे वर्ड प्रोसेसर के ऊपर काम करने के लिए, मेरे नाती पोतों को होमवर्क कराने के लिए और घर के सभी काम करने के लिए मुझे रोबोट की जरूरत है। तो उस रोबोट ने जवाब में ये कहा कि आप देखिए, आप तो ये मामूली काम जो है आप तो नॉर्मल रोबोट से भी चला सकते हैं, फिर आपको अच्छे रोबोट की जरूरत क्यों है? तो उन्होंने बोला कि नहीं, बस मुझे ऐसे ही चाहिए। तो रोबोट ने उन्हें कहा कि ठीक है, अगर आप ज्यादा पैसे देकर के लेना चाहते हैं तो उसमें हमें कोई एतराज नहीं, आप रोबोट को लेकर जा सकते हैं। और इतना कहते ही वो उनसे ऑर्डर ले लेते हैं। और उसके बाद दोपहर के समय में एक दूसरा रोबोट है, उस रोबोट को उनके घर पे छोड़ के आता है, और उस रोबोट का नाम होता है रोबोलिन। रोबोलिन को पाकर के घर के सारे व्यक्ति बहुत ही खुश होते हैं, क्योंकि वह घर के सारे कामों को बड़े अच्छी और बड़ी तेजी से करता था, जैसे कि घर के लोगों को खाना बना करके खिलाना, मेहमान आने पर दरवाजे को खोलना, बच्चों को होमवर्क करना, उन्हें कहानियां सुनाना, सक्सेना जी के वर्ड प्रोसेसर पे उनकी मदद करना, और उनके कुत्ते सेरू को हर शाम को टहलाने तक का काम भी रोबोलिन अकेला करता था। और वो जैसे ही वो टहलाने के लिए रेगुलर जाते रहता था, तो उसकी मुलाकात उसी मोहल्ले में रहने वाले दूसरे रोबोट रोबोदीप के साथ हुई। और रोबोदीप जो था उस शर्मा परिवार के कुत्ते झबरू को हमेशा घुमाने के लिए लेकर आते रहता था, और इस तरीके से दोनों रोबोट और दोनों कुत्तों के बीच में भी गहरी दोस्ती हो गई। और इसी बीच एक दिन रोबोदीप ने रोबोदीप से ये कहा कि तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे आने से पहले यहाँ में एक नौकर काम करता रहता था जिसका नाम था साधुराम। तो इसने बोला कि नहीं, मुझे तो इसके बारे में नहीं मालूम। तब रोबोदीप दोबारा रोबोलिन से कहता है कि मैंने शर्मा परिवार को तुम्हारे सक्सेना परिवार से बात करते हुए मैंने ये सुना है कि अब वे साधुराम की छुट्टी करने वाले, यानी कि साधुराम को नौकरी से निकालने वाले। तब रोबोलिन जो है आश्चर्य में आकर के, हैरानी में आकर के पूछता है क्यों, वो क्यों उन्हें निकालना चाहते हैं। तो फिर रोबोदीप ने समझाते हुए रोबोलिन को ये कहा कि तुम्हारे आने के कारण अब उनको बहुत ही आराम मिल गया है और सारा काम उनको बहुत आसानी से और जल्दी जल्दी हो जा रहा है। अब इसलिए अब उसको साधुराम बूढ़ा भी हो चुका है और उसे कोई काम नहीं होता, इसलिए अब उसको छुट्टी करके उसे कुछ कंपनसेशन यानी मुआवजा देकर के उसे हमेशा हमेशा के लिए गांव भेजना चाहते हैं। यह सुनकर के रोबोलिन को बहुत ही दुख होता है और वह साथ साथ में रोबोदीप को यह कहता है कि ये तो रोबोटिक्स के नियम के खिलाफ है। और ये आगे कहते हुए ये कहता है कि रोबोटिक्स नियम के खिलाफ ये बताया गया कि अगर कोई भी इंसान
या फिर कोई भी इंसान का जो काम काज है या उसका जो डेली वर्क है उसके ऊपर कभी भी रोबोट के कारण कोई प्रॉब्लम्स नहीं आना चाहिए, यानी कि किसी रोबोट के कारण इंसान की नौकरी कभी खतरे में आनी नहीं चाहिए। और इतना कहते हैं दोनों तो आपस में दोबारा कुछ ना कुछ बातचीत को गुप्त मंत्र करते हैं और उसके बाद अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन रोबोलिन और रोबोजिन दोनों मिलकर के रोबोटिक्स कॉर्पोरेशन के ऑफिस में जाते हैं और ये सारी घटना जो है वहाँ के मैनेजर रोबोजिन को बताते हैं। लेकिन रोबोजिन उनसे यह कहता है कि मैं इस मामले में आप लोगों की कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। फिर वो बताते हैं कि नहीं, ये तो हमारे रूल्स के खिलाफ है, क्योंकि हमारे कारण किसी भी व्यक्ति की या किसी भी इंसान की नौकरी पे खतरा नहीं आना चाहिए। लेकिन उनकी बातों को काटते हुए रोबोजिन दोबारा कहता है कि अगर हम बिजनेस में अगर हम ह्यूमैनिटी को ठीक है या फिर हम फीलिंग्स को देखने लगे तो हमने कर लिया फिर बिजनेस, हमारा बिजनेस हमेशा घाटे में ही जाएगा। और इतना कह के वो कहता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता। और वहां से दोबारा उदास चेहरा लेते हुए रोबोजिन और रोबोलिन दोबारा वापस आ जाते और कई दिनों तक रोबोलिन जो है अपने घर नहीं जाता और उसके ना होने के कारण घर के सारे लोग बहुत ही दुख हो जाते, उदास हो जाते। और एक दिन जब रोबोलिन दोबारा घर में वापस आता है उसे देख करके घर के सारे लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन मन ही मन जो है रोबोलिन बहुत ही दुख प्रकट करता है, क्योंकि वो ये जान गया था कि उसके कारण साधु राम को निकाला जा रहा है काम से और वो उसके लिए खुद को गिल्टी फील कर रहा था। तो उसी रात को रोबोलिन वर्ड प्रोसेसर पे बैठ करके सक्सेना जी का कोई फाइल का काम कर रहा था, तो उसने उस कहानी में एक ये चीज देखा टाइप करते हुए कि एक नौकर था जो किसी घर में काम कर रहा था और वो किसी जानलेवा बीमारी का शिकार हो गया था, जिसके कारण उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसकी जगह पे एक रोबोट को लाया गया। और इससे ये बात जो है जब उस रोबोट को मालूम चली तो उसने अपने संघ में जाकर के इसके बारे में कंप्लेंट की और संघ वालों ने हड़ताल कर दिया और यह फैसला हुआ कि उस रोबोट को रिटर्न करके दोबारा उस नौकर को घर में लाया जाए। ये सब सुनते ही रोबोलिन के मन में एक नीली रोशनी सी उमड़ पड़ी, क्योंकि उसने ऐसा फीलिंग हो रहा था कि जो कहानी साधु राम के साथ चल रहा है सेम टू सेम कहानी वहां वो टाइप कर रहा था। उसके बाद उसने नेक्स्ट मॉर्निंग दोबारा रोबोलिन रोबोदीप के साथ मिल करके संघ में जाता है और संघ को ये सारी बात बताता है और संघ वाले क्या करते हैं पूरे रोबोटिक्स कंपनी में हड़ताल करने के लिए एक नोटिस जारी करते हैं और उन्हें ये कहते हैं कि साधु राम को दोबारा काम पे लिया जाए वरना सारे जो रोबोट्स हैं हड़ताल करेंगे। ये सुनकर के सारे रोबोटिक्स कंपनियों में हलचल मच जाती है। उनके द्वारा किए गए हड़ताल से रोबोटिक्स कंपनियों में हलचल सी मच गई और जो रोबोटिक्स कंपनी का मालिक था जो मैनेजर था रोबोजिन वो अकेला पड़ गया और उसे भी मजबूर में आकर के सक्सेना जी के साथ किए हुए टर्म एंड कंडीशन को रद्द यानी कैंसिल करना पड़ा और उन्हें रोबोलिन को दोबारा अपने पास बुलाने का जो कंडीशन था वो मानना ही पड़ा। और ये बात जब सक्सेना जी को मालूम चली तो उसके हाथों से तोते उड़ गए, यानी कि वो हैरान हो गए, वो परेशान हो गए, क्योंकि वे पूरा फैसला कर चुके थे कि वे अब साधु राम को नौकरी से निकाल देंगे। लेकिन बदले हुए हालात को देख करके उन्होंने संघ में जाकर के रिक्वेस्ट की और उन्होंने ये कहा कि जब तक साधु राम ठीक नहीं हो जाता तब तक कृपया आप रोबोलिन को मेरे पास रहने दीजिए काम करने के लिए। और संघ जो है उनको इस बात में कोई आपत्ति नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उन्होंने ये भी बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, जब तक साधु राम ठीक नहीं हो जाता तब तक रोबोलिन आपके घर में रहेगा। और इवनिंग के समय में जब रोबोलिन और रोबोदिक दोबारा अपने कुत्तों के साथ शाम को मिलते हैं तो रोबोलिन जो है रोबोदिक को बताते हुए खुशी से ये कहता है कि अब हमारे कारण जो है किसी इंसान को अपनी नौकरी से हाथ धोना नहीं पड़ेगा, यानी कि हमारे कारण किसी की नौकरी का कोई खतरा नहीं। तो आज की इस वीडियो में हमने ये देखा कि किस प्रकार मशीन जो है मनुष्य के हर एक काम में आने लगा है और इंसान के हर एक काम को चाहे बड़े से बड़ा या छोटा से छोटा काम उसको बहुत ही कम समय में कर देता है बड़ी आसानी के साथ। और हमने इसके दूसरे पहलू में ये भी देखा कि इस मशीनों के कारण आजकल जो है इंसान के काम काज पर बहुत ही नुकसान पड़ रहा है। और इस कहानी में हमने ये देखा कि किस तरीके से एक मशीन के आने के कारण एक इंसान को अपनी नौकरी गंवानी पड़ती है और दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि किस तरीके से जो लोग हैं अपने बिजनेस अपने प्रॉफिट के कारण किसी को भी नुकसान पहुंचाने से पीछे नहीं हटते। इसलिए हमें हमेशा यह ध्यान देना चाहिए कि हमें वही काम करना चाहिए जो एक इंसान के लिए एक हमारे सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल हो। हमें कभी भी ऐसे चीज़ों का इन्वेंशन या फिर ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो हमारे समाज के लिए हमारे देश के लिए नुकसानदेह हो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी लेसन के Q&A के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।
हूँ।